नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जलती लाश के सिर पर दाह संस्कार में डंडा क्यों मारते हैं। हिंदू रीति रिवाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से दाह संस्कार को हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार कहा जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान एक मृत व्यक्ति को जलाकर इस दुनिया से विदा किया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान भी कई तरह की रस्मों की अदायगी की जाती है, जैसा कि सिर मुंडवाना, मृत शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाना, जलती चिता में से लाश के सिर को डंडे से फोड़ना। हम में से कई लोग तो इस रस्म के बारे में तो जानते ही नहीं होंगे। इस रस्म के पीछे भी एक तर्क है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हिंदू धर्म में जलती चिता में से लाश के सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। माना जाता है कि आत्मा मस्तिष्क के द्वार के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर इन दरवाजों के माध्यम से शरीर से निकलती है। ब्रह्मरंध्रा को शरीर में मौजूद 11 द्वारों में से सबसे उच्च माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जीव या आत्मा सिर से निकलती है, वह मोक्ष प्राप्त करके जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाला मोक्षम भी कहा जाता है। इसलिए मृतक के रिश्तेदार मृत शरीर की खोपड़ी के सिर पर डंडे मारते हैं। ऐसा 3 बार किया जाता है। एक बार जब चिता जल जाती है, तब कर्ता यानी मुख अग्नि देने वाला व्यक्ति बांस के डंडे से मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर 3 बार डंडे मारता है। जब वो खोपड़ी को डंडे से मारकर तोड़ते हैं, तो चिता की गर्मी की वजह से खोपड़ी जल्दी टूट जाती है। आत्मा का दुर्प्रयोग होने से बचाने के लिए इसके लिए एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो सिर को डंडे से मारकर इसलिए तोड़ा जाता है, वरना जो तांत्रिक विद्या वाले लोग होते हैं वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके सिर की फिराक में रहते हैं, ताकि इससे वो उसका दुरुपयोग कर सके। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि हिंदू धर्म में जलती चिता में से सिर की खोपड़ी पर डंडे क्यों मारे जाते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।